लॉकडाउन पार्ट टू का आज 10वां दिन है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत कोरोना टॉप 20 के साथ। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। 1,84,000 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 26,45,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 7,23,000 लोग हो चुके हैं ठीक। स्पेन में 2,00,000 से ज्यादा संक्रमित। 21,000 से ज्यादा मौतें। इटली में 1,87,000 से ज्यादा केस। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 3,176 कोरोना संक्रमितों की मौत। मौत का आंकड़ा 47,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,684 नए मामले। कोरोना के मामले बढ़कर 23,077। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 778 नए मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 128 नए मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर 2,376। सीआईएसएफ ने मेट्रो सेवा दोबारा शुरू करने की बनाई योजना। आरोग्य सेतु ऐप के लिए मदद। हरियाणा में कोरोना के 6 नए मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर 270। 97 एक्टिव केस। पंजाब में कोरोना के 283 मामले। 200 एक्टिव केसेस। गुजरात में कोरोना संक्रमितों के 217 नए मामले। मरीजों की संख्या 2,624। राजस्थान में कोरोना के 76 नए मामले। राजधानी जयपुर में 15 नए मामले। मरीजों की संख्या 1,890। दिल्ली में कोरोना का कहर। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए जोनल स्तर पर गठित की कमेटियां। पुलिसकर्मियों के बचाव के लिए कमेटियों का गठन हुआ है। पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने घोषणा की। यूपी सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को दी कोरोना टेस्ट की अनुमति। आईसीएमआर के मानकों पर खरा उतरना निजी प्रयोगशालाओं के लिए जरूरी। यूपी सरकार ने कोरोना टेस्ट दरी की निर्धारित। कोरोना की पहली स्क्रीनिंग 1500 और दूसरे बार टेस्ट के लिए 3000 देने होंगे। कोरोना से मुक्त हुए पानीपत शहर में हड़कंप। दिल्ली मदरसे से लौटे मां बेटे निकले कोरोना पॉजिटिव। सोनीपत सिविल अस्पताल में काम करने वाला वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में करता था काम। गुरुग्राम में 20 अप्रैल से छोटे और मध्यम उद्योगों को खोलने की मंजूरी। परमिशन के लिए अब तक आए 225 कंपनियों के आ चुके हैं आवेदन। किसी ने अगर नियमों को तोड़ा तो परमिशन वापस ले ली जाएगी। लेबर डिपार्टमेंट कंपनियों से सीसीटीवी की भी लेगा एक्सेस। ब्लॉक से जिला स्तर पर बनी कमेटियों ने शर्तों के साथ परमिशन दी।